गाइस, कभी आपने सोचा है ये छोटी सी मशीन कैसे आपकी ब्लड शुगर चेक करके बता देती है? और अगर आपका ये भी कन्फ्यूजन है कि जो लैब की रीडिंग होती है वो ज़्यादा सही होती है या फिर इस छोटी सी ग्लूकोमीटर की मशीन की रीडिंग है वो सही होती है, और अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या मेरा ग्लूकोमीटर सही है या नहीं है वो कैसे पता करूं, या फिर ये भी कंफ्यूज हो रहे हो कि जो मैं प्रोसीजर कर रहा हूं वो भी सही है या नहीं है, आज के वीडियो में मैं ये सारे आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। तो गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ग्लूकोमीटर और लैब की जो रिपोर्ट होती है दोनों में कितना डिफरेंस आता है या एक्यूरेट होते हैं। तो गाइस, बात यह है, जो लैब की रिपोर्ट के लिए हम सैंपल लेते हैं वो एक वेनस सैंपल होता है, वेंस के थ्रू सैंपल ड्रॉ करते हैं और फिर लैब में उसको प्रोसेस करते हैं। और जबकि ग्लूकोमीटर से हम अगर अपनी रीडिंग लेते हैं तो वहाँ पे जो ब्लड होता है वो एक कैपिलरी ब्लड होता है। तो वेनस ब्लड और कैपिलरी ब्लड के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो इस ग्लूकोमीटर में आपको शो करता ही करता है। अब बात करें कितना डिफरेंस हो सकता है, तो नॉर्मली 10 से 15% डिफरेंस आ सकता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये ग्लूकोमीटर हमेशा ज़्यादा ही बताता है, ऐसा नहीं है गाइज, वो कम भी बता सकता है, लेकिन 10 से 15% आपकी रीडिंग प्लस या माइनस में ये बता सकता है। तो इसके लिए यही है कि आप जो इनिशियल आपकी रिपोर्ट अगर करवाते हो तो वो लैब से प्रेफर करें, उसके बाद रेंडमली अगर देखना चाहते हो तो फिर इस ग्लूकोमीटर पर रिलाई करें। तो गाइज, अब बात करें कि ये ग्लूकोमीटर है वो कैसे काम करता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है जिससे कि ये रीडिंग देता है। तो होता क्या है कि जो इसके साथ आने वाली स्ट्रिप्स होती है उन स्ट्रिप्स के ऊपर में ग्लूकोज ऑक्सीडेज करके एक सॉल्यूशन लगा हुआ रहता है, और जब इनके ऊपर में हम हमारी ब्लड को लगाते हैं तो जो ब्लड के अंदर का ग्लूकोज होता है यानी कि शुगर होती है वो इसके साथ में रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। अब वो ग्लूकोनिक एसिड स्ट्रिप में मौजूद जो फेरिसाइनाइड है उसके साथ में केमिकल रिएक्शन करता है और एक फेरोसाइनाइड करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो फेरोसाइनाइड है वो एक इलेक्ट्रिक करंट जो स्ट्रिप है वहाँ से पास करता हुआ इस मॉनिटर के अंदर लेके जाता है। मॉनिटर के अंदर में जैसे ही वो करंट पहुँचता है यहाँ डिस्प्ले के ऊपर में एक रीडिंग दिखाई देती है, और वही रीडिंग हमारी ग्लूकोज की मात्रा होती है यानी कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है वो हमें यहाँ पे शो होता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये काम करती है, जो एक करंट पास होने की प्रोसेस होती है वो ही उसी के ऊपर में ही ये सब ग्लूकोमीटर्स काम करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का आप ले लो, इनका मैकेनिज्म सेम होता है। ओके, तो गाइज यहाँ पे क्लियर हो गया है कि ये कैसे काम करता है। अब बात ये होती है कि ये काम कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये आपका ग्लूकोमीटर मशीन कोई भी कंपनी की हो वो सही काम कर रही है? इसके लिए क्या होता है गाइज, इसके लिए इन ग्लूकोमीटर्स की जो कंपनीज होती है उनके पास में ही या इन बॉक्सेस में ही एक कंट्रोल सॉल्यूशन करके इनका सॉल्यूशन आता है। अब वो कंट्रोल सॉल्यूशन क्या होता है, वो एक तरीके का गाइस एक फेक ब्लड होता है जिसके अंदर में कंट्रोल क्वांटिटी में फिक्स क्वांटिटी में एक शुगर दी हुई रहती है। तो उसको जब हम स्ट्रिप के ऊपर में एज ए ब्लड की तरह लगाएंगे तो एक फिक्स रीडिंग ही आएगी। मान लो कंट्रोल सॉल्यूशन की 100 mg/dL की हमने वैल्यू सेट कर रखी है, अब जब हम इस स्ट्रिप के थ्रू चेक करेंगे तो हमेशा वो 100 mg/dL ही रीडिंग देगा। अगर वो सही देता है तो इसका मतलब आपका ग्लूकोमीटर बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज वो रीडिंग ही गलत देता है तो आपके लिए अलार्मिंग साइन है, आपका ये जो पॉकेट ग्लूकोमीटर है ये काम सही से नहीं कर रहा है। ओके गाइस, तो आगे से जब भी कभी आप अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए या हॉस्पिटल सेटअप के लिए ग्लूकोमीटर अगर आप परचेज कर रहे हो तो कंट्रोल सॉल्यूशन के लिए भी आप उस कंपनी के जो भी वेंडर है उनसे कंट्रोल सॉल्यूशन भी मांगें। वो अगर कंट्रोल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है इसका मतलब आपका ग्लूकोमीटर एक ऑथेंटिक ग्लूकोमीटर है जो सही रीडिंग देता है जिसके ऊपर में आप रिलायल कर सकते हो। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुगर चेकिंग करने के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले यही है कि घर में अगर आप रीडिंग ले रहे हो तो आप अपने हाथों को क्लीन कीजिए। अगर आपके पास में स्पिरिट स्वैब नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हाथों को साबुन से अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसके बाद में नेचुरली उनको ड्राई होने दीजिए। और हॉस्पिटल सेटअप में भी अगर आप RBS चेक कर रहे हो तो बहुत से लोगों को देखा है कि वो उन्होंने स्पिरिट स्वैब से क्लीन किया और तुरंत प्रिक कर लिया है। नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना होता है, पहले जो प्रिकिंग की साइट होती है उसको नेचुरली ड्राई होने देना है, जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद में ही वहाँ पर आपको
प्रिक करके ब्लड लेना है, अदरवाइज रीडिंग गलत आ सकती है। अब आपने हाथ क्लीन कर लिए, लेकिन अब इसको ग्लूकोमीटर को भी तो सेटअप करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो स्ट्रिप्स होती है उनको चेक करो, उनकी एक्सपायरी चेक करो। अब इसमें दो तरीके की एक्सपायरी होती है, एक तो इस जो डिब्बी आती है उसकी खुद की एक्सपायरी, यानी कि अगर आपने ओपन नहीं किया है तो फिर इसकी एक्सपायरी जो मैन्युफैक्चरर देता है वो होती है, लेकिन अगर आपने इस डिब्बी को ओपन कर लिया है तो फिर इसकी एक्सपायरी हो जाती है गाइस मात्र 3 महीने। 3 महीने के अंदर जो इसके अंदर में 50 स्ट्रिप्स आती है या 100 स्ट्रिप्स आती है वो आपको पूरी यूज करनी होती है। इसमें होता है यही है गाइस कि जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन होती है वो इस स्ट्रिप्स के अंदर में लगे हुए ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ में रिएक्शन करती है और इन शुगर स्ट्रिप्स को खराब कर देती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको एयर टाइट ही रखना है और ओपन करने के 3 महीने के अंदर इनका कंजक्शन करना ही है। तो गाइस स्ट्रिप्स को आपने चेक कर लिया, अब बात करते हैं इस मशीन को, इसको कैसे हम यूज करेंगे। होता क्या है, आपने लेंसेट डिवाइस को पहले रेडी कर लेना है और उसके बाद में हाथों को तो आपने क्लीन कर ही लिया है और प्रिक करते हैं उससे जस्ट पहले इस मशीन को रेडी कर लेना है, यानी कि स्ट्रिप को निकालना है और इस मशीन में लगाना है। ग्लूकोमीटर में जैसे ही स्ट्रिप को अटैच करेंगे इसकी स्क्रीन अपने आप ओपन हो जाती है और उसके बाद में एक ब्लड जो ड्रॉप होती है उसका ब्लिंकिंग साइन आता है। मोस्ट ऑफ ग्लूकोमीटर्स में ऐसा ही होता है, तो जब वो साइन आता है उस समय में आपको तुरंत प्रिक करना है और विद इन सेकेंड्स आपको वहां पे अपनी ब्लड की ड्रॉप को इसके अंदर में डाल देना है, तभी आपकी रीडिंग सही आएगी। गाइस बहुत सी बार ऐसा होता है कि इसमें स्ट्रिप लगा के रख दिया है और उसके बाद में लेंसेट डिवाइस को रेडी करने में टाइम लगाते हैं और फिर ब्लड ड्रॉप लेके जब इसमें लगाने की बारी आती है उस समय में इसकी रीडिंग चली जाती है और ये अपने आप से बंद हो जाता है। वहां पे फिर से स्ट्रिप आप दोबारा से लगाओ या ब्लड जो आपका ड्रॉप आया है वो कॉन्टामिनेटेड होने के चांस होते हैं, तो इससे बचने के लिए सबसे पहले लेंसेट डिवाइस को रेडी कर लो, उसके बाद में स्ट्रिप लगा के ऑन करो और विद इन सेकंड प्रिक करके तुरंत इसमें से रीडिंग ले लो। गाइस तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी, जो ये ग्लूकोमीटर की डिवाइस है ये बहुत सी कंपनीज की आती है, कुछ कंपनी की महंगी आती है कुछ की सस्ती आती है। तो गाइस ये महंगी सस्ती का भी एक ट्रैप होता है, उसके अंदर में आपको नहीं पड़ना है, इसको आपको अवॉइड करना है। होता क्या है गाइस, जो 400-500 रुपए का ग्लूकोमीटर आता है, ये मशीन आती है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मशीन 400-500 रुपए की आती है वो सस्ती तो दे देते हैं लेकिन उसके साथ में आने वाली ये ग्लूकोज स्ट्रिप्स ये बहुत महंगी कर देते हैं। तो ये कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है कि आपको सस्ता ग्लूकोमीटर पकड़ा देंगे, आप सोचेंगे वाह मुझे तो बहुत फायदा मिला है, रीडिंग भी सेम ही आ रही है, लेकिन जो सारी कॉस्ट कटिंग है ना वो इस स्ट्रिप में वो निकाल लेते हैं। इसीलिए जो एक अच्छे ब्रांड का ग्लूकोमीटर आप ले रहे हो 1000 से 1500 का, बहुत अच्छा ब्रांड का ग्लूकोमीटर्स आ जाता है वो आप लीजिए। उनकी टेस्ट स्ट्रिप है वो पर टेस्ट में आई थिंक 11-12 रुपए की पड़ती है, जबकि अगर आप ऐसे किसी एरी गेरी कंपनी का ले लोगे तो फिर आपको 25-30 रुपए का एक स्ट्रिप पड़ेगा, जो आगे चल के आपको अल्टीमेटली ज़्यादा कॉस्टली ही पड़ने वाला है। तो आप ग्लूकोमीटर जब खरीद रहे हो तो कॉस्ट एनालिसिस आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ब्लड शुगर जो डेली रूटीनली चेक करते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करें गाइस कि इन ग्लूकोमीटर्स को यूज़ तो कर लिया है लेकिन इनका जो वेस्ट मटेरियल है बहुत से लोग उनको ऐसे वैसे ही फेंक देते हैं, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर डिस्पोज इनको करना होता है। स्ट्रिप को और लेंसेट जो कि एक तरीके से इंजरी आगे किसी को भी दे सकती है, तो उसको बचाने के लिए एक अच्छे से कंटेनर में इनको पैक करना है जो कि पंचर प्रूफ हो, तो उसके अंदर में इसको डाल देना है और उसके बाद में ही इसको डिस्कार्ड करना है। ओके गाइज इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि लेंसेट्स को प्रिपेयर कैसे करना है, तो इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है लेंसेट को कैसे रेडी करना होता है, तो आई बटन पे मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वहां से आप देख लीजिए कि लेंसेट को कैसे रेडी कर लेना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है मुझे आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हुई होगी, कुछ नया ही आपने सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिए और जो भी नीडफुल लोग हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे उम्मीद है उनके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल रहेगी। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्लूकोमीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं तो आप लेफ्ट वाला वीडियो देख लीजिए, और लेंसेट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं तो आप राइट वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेटिव दी हुई है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइज, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।